शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका खबर 7C न्यूज चैनल से। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कौशाम्बी जनपद के पश्चिम सरीरा के पंचायत भवन परिसर में रविवार को पश्चिम सरीरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार गुप्ता सहित अन्य जगहों के व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित होकर नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश अग्रहरि ने कहा कि पदाधिकारी सदैव अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें। ये तो क्या संदेश है? मैं भाई व्यापारियों से यही उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी व्यापारी गलत काम ना करे, सही कार्य वो लोग करेंगे। इसके साथ अगर उनके साथ कोई शोषण करता है तो हम उसके साथ आधी रात को कंधे पे कंधे के साथ खड़े रहेंगे। जो भी हमसे हो सकेगा पूर्ण सहयोग करेंगे। अपने व्यापारियों की पहली बात अपने पदाधिकारियों, जिला के पदाधिकारी, देश के पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे। क्या बोलना? GST के बारे में बहुत खामियां थी, ये सरकार ने इसको जल्दबाजी में GST लागू किया था। GST में जब हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल सहित देश के 40,000 व्यापारिक संगठनों ने विरोध किया, इस सरकार ने 123 वस्तुओं पर कर को कम किया। अगर यही चीज़ ये सरकार पहले से करती तो शायद व्यापारियों को आंदोलन की रूपरेखा न तैयार करनी पड़ती और आज व्यापारियों का जो कोप भजन है इस सरकार को नहीं झेलना पड़ता। आज भी GST में इतनी खामियां हैं कि हमारा व्यापारी समाज परेशान है और उसके लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। सम्मानित, GST में जो हम लोगों की या आम जनता की मांग थी रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान इस पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया था। हमारी ये मांग थी कि सीमेंट पर टैक्स कम किया जाए, कपड़े पे कर को ख़त्म किया जाए, खाद्यान्न वस्तुओं पर कर बिल्कुल न लगाया जाए, इसलिए कि आम जीवन में ये उपभोग करने वाली वस्तुएं हैं इस पर टैक्स ना लिया जाए। इस पर कर कम हुआ उसमें आप संतुष्ट हैं? अभी हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं, चूँकि काफ़ी विरोध करने के बाद इन्होंने हम सब लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम किया है, मगर हम उससे पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं। हम इस मामले में भारत सरकार के वित्त मंत्री से, हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय बनवारी लाल कंछल जी 3-4 बार मिल चुके और उनको पत्र भी दिया, तमाम व्यापारिक संगठनों ने दिया पत्र, मगर अभी तक GST की खामियों को दूर नहीं किया गया। और जब तक व्यापारिक हितों में GST की खामियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये पेट्रोल डीजल में जो कर ज़्यादा है इसकी भी समस्या, पेट्रोल डीजल को भी हमने कहा कि इसको GST के दायरे में लाया जाए। जब आप कहते हैं कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए तो हमारे ही देश पे क्यों दो टैक्स? GST जब लागू कर दिया गया है तो पेट्रोल और डीजल पर भी GST लागू करना चाहिए। अगर पेट्रोल डीजल पर GST लागू कर देते तो शायद आज पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाता। ये सर, पश्चिम सरीरा व्यापार मंडल को क्या संदेश देना चाहिए? पश्चिम सरीरा व्यापार मंडल के आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हम व्यापारियों को ये ताकत देने के लिए आए हैं कि हमारा व्यापारी अपनी दुकान पर निर्भीकता से व्यापार कर सके। अगर हमारे व्यापारियों का कोई उत्पीड़न करे या शोषण करे या अनावश्यक उत्पीड़न करे तो ये संगठन मजबूती से उसके साथ कवच के रूप में खड़ा रहे और हमारा व्यापारी अमन चैन से व्यापार कर सके। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है।